हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस एलजेब्रा के न्यू सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम लोग एलजेब्रा के इस न्यू सेशन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, और यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आते रहा है, चाहे वह एग्जाम सीपीयू हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो। इसके अलावा बैंकिंग में एलआईसी हो गया, बैंकिंग में एलआईसी, एओ, डबल एओ, या बहुत सारा एग्जाम है जहां पर मैथमेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आते आते रहा है और आते रहेगा। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन को अगर बढ़िया से आप सभी लोग देखिएगा तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहला पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए, इस सीरीज में देखिएगा सभी लोग, इस सीरीज में जैसे यहाँ पर 1/2 है, 1/2 प्लस 1/6 है, प्लस यहाँ पर 420 है। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान देने जोगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको ब्रेक करना 1/2। देखिए जहां पर ये इंड होता है वहीं से ये स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 × 3, 3 पे इंड हुआ तो 3 × 4 हो गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे आप आ जाइए तो यहाँ पे आ जाइए तो ये हो जाएगा। देखिए ये लास्ट इस लास्ट स्टेप को ब्रेक करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पर जो गैप देखिएगा, ये डिफरेंस देखिएगा, यह डिफरेंस 1 का है बाबू। यहाँ भी डिफरेंस आप देखिएगा तो डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो यहाँ 1 के डिफरेंस पे तोड़ना है, तो देखिए तो 420 को हम ऐसे तोड़ेंगे भाई, 10 से कटा देंगे, अगर 10 से कटा देंगे तो 42, 2 से कटा दीजिएगा तो 21 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 × 21, क्या लिख सकते हैं बाबू, 20 × 21 इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग देखिएगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/1 माइनस 1/2, ठीक है ना, प्लस इसको लिख सकते। अच्छा देखिए, लिखना था 1/2 और लिख दिए 1/1 माइनस 1/2, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 में से 1 गया 1/2, तो ये 1/2, ये भी 1/2। 1/6 को हम लिखेंगे 1/2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/3। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, एक बार क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। क्या क्रॉस चेक कीजिएगा, कीजिएगा कि ये जो हम लिखे हैं वो इसके बराबर है कि इसके बराबर नहीं है। तो चेक कीजिए, 3 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6, 1/6। और यहाँ पर देखिए 3 2, यानी 1/6, 1/6 यहाँ पर लिखाया है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, और यहाँ पर 1/6 ही लिखना था, ठीक है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4, वैसे ही प्लस 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 डैश डैश प्लस, और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे 1/20 माइनस 1/21, ठीक है ना। ऐसे हम लिखेंगे, 21 लिखेंगे। अब देखिए आप लोग, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा सभी लोग, इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस ये बीच का सारा कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा 1/21 बचेगा। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1/21, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20/21, 20/21 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सभी लोग, 20/21 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20/21, यानी कि हम लोगों का जो है ना, हम लोगों का ये आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए सभी लोग, इसमें जो है, इसमें कौन सा आंसर है, तो इसमें सी आंसर है। चलिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा आप लोग, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा बाबू, देखिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन डिफरेंस,
वन अपॉन डिफरेंस इंटू यहाँ पर वन बटा फर्स्ट माइनस वन बटा लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाला सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो बीच का सारा कैंसिल, फर्स्ट बचता है और लास्ट बचता है, ठीक है ना। और यहाँ पर डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस क्यों आता है इसको एक दो क्वेश्चन के बाद हम बढ़िया से समझा देंगे। पहले फार्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। वन अपॉन देखिए तो यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो वन इंटू टू, यहाँ पर क्या मिलेगा टू इंटू थ्री, अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा थ्री इंटू फोर, अच्छा यहाँ पे क्या मिला था अभी, यहाँ पे मिला था बीस गुणे इक्कीस मिला था। तो देखिए डिफरेंस डिफरेंस वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर का डिफरेंस वन है, और वन बटा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे वन हो गया माइनस वन बटा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म पे कितना है ट्वेंटी वन है, ठीक है ना। चलिए आप देखिएगा, आप लोग इक्कीस में से एक गया बीस, ठीक है ना, अब बटा में हो गया इक्कीस, ठीक है ना, बटा में इक्कीस हो गया, तो बीस बटा इक्कीस आंसर है, बीस बटा इक्कीस आंसर है, यानी कि हम लोग का सी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आप लोग इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दो, आज का क्वेश्चन नंबर दो मैथमेटिकल सीरीज का, इसको बनाना है। एक बार देखिए आप सभी लोग, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देखिए। तो आप लोग यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई वन इंटू थ्री, और लिख सकते हैं प्लस इसको पंद्रह को क्या लिखेंगे, देखिए थ्री पे एंड हुआ है तो थ्री से स्टार्ट होगा, तीन गुणे पांच प्लस वन बटा, अब पैंतीस को क्या लिखिएगा, पांच गुणे सात, ठीक है ना, प्लस और लास्ट में लिखिए वन डिवाइड बाई, यहाँ पे थ्री नाइनटी नाइन है, तो थ्री नाइनटी नाइन को तोड़िएगा अगर आप लोग, तो तीन से कटेगा ये तो बन जाएगा थ्री इंटू वन, थ्री थ्री सात से कटेगा तो तीन इज इक्वल टू थ्री इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू यहाँ पे आ जाएगा सात एकम सात, तेरह में छ तीन, सात नवा तिरसठ, यानी कि ये बनेगा उन्नीस गुणे उन्नीस गुणे इक्कीस। देखिए बाबू क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ अंत में तीन तो शुरू में तीन होगा, अंत में पांच तो शुरू में पांच होगा, अगर इंड करेगा सेवन से तो यहाँ पे सेवन आएगा, और यहाँ पर गैप देखिए, यहाँ दो का गैप, यहाँ भी दो का गैप, यहाँ भी डिफरेंस दो का, तो यहाँ भी डिफरेंस दो का, ये अंतिम टर्म को तोड़ना, अंतिम टर्म जो लास्ट वाला टर्म है, इस लास्ट वाले टर्म को तोड़ना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है ना। अच्छा देखिए लिखना था एक बटा तीन, एक बटा तीन लिखाया, तीन एकम तीन, एक एकम एक, तीन में से एक गया दो बटा तीन, लिखाया है दो बटा तीन, तो एक्स्ट्रा ऊपर दो आ गया है, तो उस दो को खत्म करने के लिए यहां पर हम एक बटा दो लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक बटा दो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तीन एकम तीन, एक एकम एक, तीन में से एक गया दो, दो बटा तीन, जबकि चाहिए एक बटा तीन, तो दो को कटाने के लिए हम यहाँ पे दो दे दिए प्लस। वैसे ही ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बटा तीन माइनस एक बटा पांच हम लोग लिख रहे हैं, इसके जगह पर पांच एकम पांच, तीन एकम तीन, पांच में से तीन गया दो, दो बटा पंद्रह, दो बटा पंद्रह, लेकिन यहाँ पर एक बटा पंद्रह है, आ गया यहाँ पे दो बटा पंद्रह, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आया दो, पांच एकम पांच, तीन एकम तीन, दो बटा पंद्रह, लिखना है एक बटा पंद्रह, तो ऊपर एक्स्ट्रा में दो आ गया, और एक्स्ट्रा वाले दो को कटाने के लिए यहां पर हम दो दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप लोग, प्लस वैसे ही वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन, और यहां भी एक्स्ट्रा वाला दो है, तो दो यहां पे आ चुका है, प्लस यहां पर डैश डैश डैश, यहां पर एक बटा उन्नीस माइनस एक बटा इक्कीस हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब देखिए इक्कीस हो जाएगा, अब देखिए देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम होने से क्या होता है ना, एगो माइनस में एगो प्लस में आता है, कैंसिल हो जाता है, ये लास्ट वाला शुरू वाला माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाता है, वैसे ही कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे जो लास्ट में आएगा यहाँ फर्स्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखिए बचेगा क्या चीज बाबू, तो बचेगा यहाँ पर वन का, यहाँ पर दो, दो क्या चीज है, डिफरेंस है,
ये डिफरेंस बचा यहाँ पर, और यहाँ पे वन बटा, यहाँ पे फर्स्ट माइनस वन बटा, यहाँ पर क्या बचा, लास्ट बचा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, अब देखिए तो यहाँ पर तो वन बटा डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे दो, वन बटा फर्स्ट, तो फर्स्ट के जगह पे वन और लास्ट के जगह पे वन बटा 21 हो गया। अब देखिए आप लोग तो 21 एक 20, वन बाई टू इंटू 20 डिवाइड बाई 21, ये दो से कटेगा 10 बार में, तो 10 बटा 21 मेरा आंसर है, 10 बटा 21 आंसर है। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर कौन सा आंसर हुआ, डी आंसर हुआ। तो अब की बात, इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, जो भी फार्मूला यहाँ पे हम देखे हुए हैं सारा फार्मूला याद रखेंगे। क्या फार्मूला भी पढ़े थे आप लोग, वन अपॉन डिफरेंस, वन अपॉन डिफरेंस यहाँ पे वन बटा फर्स्ट माइनस वन बटा लास्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखें, याद रखें बाबू, कैसे बनाइएगा बताइए। तो वन बटा डिफरेंस कितना है यहाँ पे, इसको तोड़िएगा तो वन इंटू थ्री, दो का डिफरेंस दो, और यहाँ पे वन फर्स्ट टर्म में एक, और इसको तोड़े थे हम लोग, इसको क्या मिला था, 19 गुणे 21, ठीक है ना, माइनस वन बटा 21 कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, 21 एक 20, 20 बटा 21 दो से कटेगा, 10 बटा 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बहुत सारा क्वेश्चन कराना है और इसलिए टाइम बचाते हुए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन देखना हम लोग को, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, इसको बनाइए आप लोग। अच्छा यहाँ पर देखिए कैसा है, इस चार को जो है ना, चार को हम लोग, इस चार को हम लोग वन इंटू फोर लिखेंगे, इसको टू इंटू टू नहीं लिखेंगे, क्यों, देखिए टू इंटू टू जब भी लिखिएगा तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वो कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे 4 इंटू 9, 4 9 36, यहाँ पे 9 गुणे कितना 16, देखिए जिससे जिससे आपका जो है इंड हो रहा है ना उसी से शुरू होना चाहिए, इंड हुआ 9 से तो इंड शुरू होना चाहिए 9 से, 16 वैसे ही। अच्छा इसको तोड़िएगा, एक बात समझिए, यहाँ पर 3 का गैप, यहाँ 3 है तो 3 का गैप, 4 और 9 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 का गैप, और यहाँ 19 है तो 19 का गैप, 19 के गैप पे तोड़िएगा तो 81 गुणे 100, ये थोड़ा सा, ये सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सीरीज जो है ना बाबू, ये सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट सीरीज है, तो यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे बाबू, 1/1 - 1/4, ठीक है ना, हमको लिखना है 3/4, हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखे, 4 × 4 1 × 1, 4 में से 1 गया 3, 3/4, 3/4, ठीक है ना, 3/4 लिखा गया, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए 1/1 यहाँ पे लिखेंगे 4 - 1/9, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग 9 × 9 4 × 4, 9 में से 4 गया 5/36, 5/36 लिखना था और 5/36 लिखा गया, अब की बार भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइए प्लस, यहाँ पे देखिए तो आप लोग 1/9 - 1/16, देखिए तो 16 × 16, 9 × 9, 16 में से 9 गया 7/144, 7/144 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 16 × 16, 9 × 9, 16 में से 9 गया 7/144, 7/144 से सही है, और प्लस डैश 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 लास्ट में प्लस, और यहां पर लिखेंगे 1/81 माइनस 1/ लिखेंगे 100 लिखेंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा। अब देखिए ये वाला कट जाएगा, अच्छा माइनस प्लस कटेगा, इसका माइनस यहाँ पे प्लस आएगा कटेगा, अच्छा इसका प्लस यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस में आया रहेगा और यहाँ पे प्लस कट जाएगा, बीच में जो भी वैल्यू आ रहा है सारा वैल्यू अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बचेगा क्या चीज बाबू, यहाँ पे 1/1 - 1/100, सॉल्व कीजिए तो इसको 99/100, इसका सी आंसर है, 99/100 आंसर है, एक बात समझिए। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस है 3, यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ डिफरेंस है 7, तो जो ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे, कौन सा फार्मूला, ये वाला कि 1/1 difference into 1/1 first minus 1/1 last,
तो ये वाला जो फॉर्मूला पढ़े ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस देखिए यहाँ पे तोड़िएगा, देखिए आप सभी लोग इसको तोड़िएगा तो 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणे 9, तो यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है, अलग अलग डिफरेंस होने के वजह से, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंस होने के वजह से ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कौन सा डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 3 लेंगे कि डिफरेंस 5 लेंगे, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब सब जगह का डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो तब अप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप सभी लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसको बोला जाता है मिसिंग टर्म, मिसिंग सीरीज, इसको बोला जाता है कौन सा सीरीज बाबू, मिसिंग सीरीज। देखिए तो मिसिंग सीरीज क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी सीरीज में एक आध टर्म मिस करके दे देता है, और जो टर्म मिस करके दे देता है वहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई कोई सीरीज आपसे, कोई कोई सीरीज में एक आध टर्म मिसिंग होगा, अगर उस पे आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होगा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम ये ले तो ये तो 1/9 है बाबू, इस 1/6 है, यहाँ पर 1/12 है, प्लस उसके बाद से यहाँ पर 1/30 है, प्लस 1/42 है, उसके बाद से 1/56 है, अब प्लस उसके बाद से यहाँ पर 1/72 है, 72 है। अब देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर जो है 2 गुणे 3 है, ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर बताइए क्या है, 3 गुणे 4 है, यहाँ पर बताइए क्या है, 5 गुणे 6 है, यहाँ पर बताइए क्या है, 6 गुणे 7 है, यहाँ पर देखिएगा तो 7 गुणे 8 है, और यहाँ पर देखिएगा तो 8 गुणे कितना है, 9 है। एक बात को समझिए बाबू, 2 3 3 4 4 5 यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना, यहाँ पर मिसिंग सीरीज है, मिसिंग, ठीक है ना, यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म है, और इसीलिए इसको हम फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, मिसिंग टर्म है तो थोड़ा सा हम आराम से डिटेल में एक बार बनाते हैं, अब बाद में हम देखते हैं कि फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 लिखेंगे, ठीक है ना, 6 - 7, 1/7, ठीक है ना। अब देखिए आप सभी लोग, एक बटा सात, 1/7 - 1/8, और 1/8 - 1/9, ठीक है ना। अब देखिए आप सभी लोग, तो अब देखिए तो यहाँ पर बाबू क्या होगा, यहाँ पर जो होगा ना आप लोगों का, ठीक है, देखिए तो ये कैंसिल, ये नहीं कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल, ये कैंसिल होगा। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर क्यों नहीं कैंसिल हुआ, क्योंकि वो टर्म मिसिंग था, मिसिंग की वजह से बच गया। अच्छा 1/9 यहाँ दिया है और यहाँ पे आए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर बचा 1/2 + 1/2, अच्छा यहाँ बचा माइनस में 1/4 आप प्लस 1/5, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए तो बताइए क्या आएगा। देखिए तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 - 5 + 4, 14, 9/20, यानी 9/20 मेरा उत्तर आ रहा है, ठीक है ना, 9/20, तो 9/20 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको मिसिंग सीरीज बोलते हैं। अच्छा इसको देखिए और कैसे बनाया जा सकता था, देखिए तो बाबू, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पर जो है ना, देखिए यहां पर जो है ना 1/20 मिसिंग है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, और यहां पर 1/20 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा ये देखिए यहां से यहां तक एक सिंगल सीरीज में है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3,
इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 5, इसको 5 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 8 into 9, ठीक है ना। अब इसको हम 1/9, 1/9 अपने जगह पर है, ठीक है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 by difference, difference 1, 1/1st term 2 माइनस 1 by last term 9, वो फॉर्मूला यूज कर लिए, 1 by difference, 1 by first माइनस 1 by last और माइनस यहाँ पे 1 by 20 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/20, इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 0 0 बना लीजिए। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो यहाँ पे 20 लिखिएगा आप लोग, और यहाँ पे 10, 10 में से क्या कितना लिखिएगा 9, तो 9/20 हो गया, 9/20 मेरा ये आंसर हो जाएगा, समझ पाए आप लोग। तो ऐसे करके हम बना सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सीरीज आ गया, एकदम आसान, जिसका इंतजार था आप सभी लोगों को, वह सीरीज आ चुका है, बिल्कुल इजी वाला। इसके आगे बहुत हार्ड हार्ड है, टोटल 48 क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन, लेकिन ये आसान वाला बनाइए पहले। देखिए इसको करेंगे 2 1 2 2 3 by 2 इंटू 3 4 by 3 इंटू 4 5 by 4 इंटू और ये हो जाएगा 120 1 divide by 120, ठीक है ना बाबू। अब देखिए आप लोग, ये ऐसे कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल होगा और बचेगा यहां पर 121 121 divide by 2, यानी मेरा आंसर जो होगा ना, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 4 by 3 इंटू 4 5 by 4 इंटू 5 6 by 5 इंटू डैश 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 और लास्ट में ये हो जाएगा 99 100, 100/99 हो जाएगा। बताइए इसमें कैसे कैंसिल होगा बाबू, इसमें भी ऐसे 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 और यहाँ पे 99 99 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 100, यहाँ पे 100 आई, यहाँ पे 3 100/3, तो 100/3 मेरा उत्तर हो जाएगा, ये डी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो जाएगा 2 1/2 3 2/3 4 3/4, ठीक है ना, डैश डैश यहाँ पे 50 1 निकल गया तो हो जाएगा 50 1 50 1 निकल गया, 49 divide by 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब की बार देखिए कैसे कैंसिल, अब की बार देखिए सब लोग ऐसे कैंसिल, ये ले ले गया गया गया, बचा क्या चीज बाबू, यहाँ पर बचा 1 1 divide by, यहाँ बचा कितना 50 1/50 1/50, यानी कि ए आंसर है, समझ गए होंगे, आसान। देखिए प्लस वाला है तो ऐसे कटा था, अब माइनस 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 तो ऐसे कट रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 2 3 n, तो ये 1+2+...n तक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए माइनस 1/n 1/n 2/n 1/n और घटेगा 3/n, आइए एनवा बार घटेगा तो n/n, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा n(n+1/2) माइनस 1, सॉल्व करिएगा तो बताइए ये 2 यहां पे चला जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग तो आप बढ़िया से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे देखिए, जल्दी देखिए आप लोग। अच्छा देखिए तो इस सीरीज का खासियत बाबू, 1/2 1/2 यहां पे आ रहा है, तो यानी कि इतना के बाद से रिपीट कर रहा है, देखिए सब लोग यहां के बाद से ये जो है रिपीट, ठीक है ना, रिपीट रिपीट, ठीक है ना, रिपीट। कोई कोई ऐसा सीरीज आता है एग्जाम में जो कि शुरू में सही से देता है, अब बाद में रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, बाद में रिपीट करने लगता है, तो जो बाद में रिपीट करने लगता है उसको हम कैसे बनाए, यहाँ पे एस 35 निकालना है, 35 पदों का योगफल, तो समझिए सबसे पहले एस 6 निकाल लेते हैं, तो एस 6 निकालिएगा तो 1/2 1/2 कैंसिल, ये 6 टर्म है बाबू, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 1 3 गया, 1 4 1 4 गया, अब यहां से लेके यहां तक देखिएगा तो 0 हो गया, S6 = 0 और S6 = 0 हो गया। अब देखिए आप सभी लोग
S35 निकालना हम लोगों को। तो S35 के लिए हम ऐसा करते हैं बाबू, S36, 36 पद ले लिए, 35 से निकालना है, हम 36 को ले लिए हैं, तो 36 में से एगो पद घटा देते हैं, माइनस क्या करते हैं, एगो लास्ट वाला घटा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, S36 में 6 पद योगफल 0, तो 6 पद 6 पद 6 पद 6 पद 6 पद 6 पद 6 बार लेंगे तो 6 बार 0 0 0 आएगा, तो यानी कि ये तो 0 मिलेगा, और माइनस ये जो लास्ट होगा उस 6 पदों का जो लास्ट होगा वही होगा, तो इस 6 पदों के लास्ट में 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 होगा, यानी कि हम लोग का इसमें उत्तर होगा ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको हम सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाना आप सभी लोगों को, कैसे बनाइएगा बाबू, देखिए बहुत आसान है कैसे, तो इसको तोड़िए तो 1 × 4, इसको तोड़िए तो बताइए 4 × 7, इसको बताइए 7 × 10, और इसको तोड़ना है, इसको तोड़िए यहां पर 550 को, बताइए कैसे कटाइएगा आप लोग, 10 से कटाइए 55, अब 5 से कटाइए तो ये हो जाएगा 11, कैसे लिखिएगा 550 बराबर, इसको लिखेंगे 2 × 5 गुणे 5 और गुणे यहां पर 11, 25, 11 × 22, 22 × 25, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे 22 × 25, 22 × 25 लिखेंगे। अब देखिए आप सभी लोग, 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है, 3 का है, फॉर्मूला है 1/डिफरेंस, ठीक है ना, 1/डिफरेंस, और उसके बाद से 1/ स्टम 1 माइनस, देखिए आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, 1/3, और यहाँ 25 1 हो जाएगा कटेगा तो 24, 24/25 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से जाएगा ये 8 × 8 = 24, यानी कि 8/25, 8/25 हो जाएगा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8/25। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाना है, इसको बनाइए सभी लोग, कैसे बनाइएगा, बनाइए अभी, घबराना नहीं है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसके आगे एलजेब्राइक सीरीज का, एलजेब्रा का, मैथमेटिकल सीरीज का एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है आगे। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, कैसे करेंगे भाई, एक तरीका तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 4, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 4 3/4 × 9, 8/9 × 16 15/16, इसके बाद यहाँ पे 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 25, 24/25, अब 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 36 होगा तो कम होगा यहाँ 35 होगा, और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 49 तो यहाँ 48 होगा, और 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 × 8 = 64, 64 में से गया 63, 63/64 होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अभी यहां पर 4 से जाएगा ये 2 बार में, देखिए 2 बार में, अच्छा 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा ये 5 बार में, अच्छा 2 से जाएगा ये 8 बार में, 8 से जाएगा 3 बार में, 5 से जाएगा ये 25 5 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, 3 से जाएगा 12 बार में, 12 × 4 = 48, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63, 4 से जाएगा 4 = 16, यानी कि 9/16, 9/16 हम लोग का उत्तर हो जाएगा इसका, 9/16, तो 9/16 आपका बी उत्तर है, ठीक है ना, बी उत्तर है। लेकिन अगर मान लीजिए बाबू ये तो 8 टर्म है, अगर टर्मों की संख्या अगर बहुत ज्यादा दे दे, 100 तक दे दे, तब कैसे बनाते, तो फंस सकते थे, तो वहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे, वहां पर हम ऐसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला जानते होंगे, ये फॉर्मूला a² - b² = क्या होता है बताइए, a - b इंटू में क्या होता है, a+b होता है, तो उस फॉर्मूला का यूज करिए यहां पर, देखिए तो 1 - 1/2 a - b, इसका a - b 1 - 3, वैसे ही 1 - 1/8 a - b ले लिए सबका। अब देखिए सभी लोग,
इसका ले रहे हैं कि ए प्लस बी वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री डैश 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 और लास्ट में वन प्लस वन बाई एट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इसका ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे करके लिए हुए हैं इज इक्वल टू, इसको लीजिए टू वन बाई टू, थ्री में से बन गया टू इंटू डैश डैश सेवन बाई एट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका। और यहाँ पे दो थ्री बाई टू इंटू फोर बाई थ्री इंटू आठ एक नौ बटा आठ हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए सभी लोग, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे ऐसे कैंसिल होगा। अब देखिएगा हम इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया है ना वैसे हुआ था, यहाँ पे बचा एक बटा आठ और लास्ट में आपका आ गया वहां पे नाइन बाई टू, नाइन बाई टू सॉल्व होगा तो नाइन बाई सिक्सटीन, नाइन बाई सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है ना, ये उत्तर हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे जब ये आएगा अगला टर्म एक प्लस एक बटा चार, तो यहाँ मिलेगा पांच बटा चार मिलेगा, तो ये चार चार कैंसिल होता, तीन तीन कैंसिल, वैसे ही कैंसिल होता, इसमें भी वही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाना है, कैसे बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए सभी लोग। बताइए क्या होगा, कमेंट करिए लोग, बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं लोग। बताइए, अरे सबसे पहले तो यहां भागा जो है ना, यहां भागा 1.1 है, ठीक है, एक बात समझिए, तो x बराबर मान लीजिए 1.331 के पावर माइनस वन मान लीजिए, ठीक है ना, माइनस वन एक्स, उस हिसाब से देखिएगा तो ये x हो गया 1.331 के पावर माइनस वन एक्स है, टू बचा हुआ अभी भी, माइनस वन एक से तीन बचा हुआ है, डैश डैश यहां पर जो है एक्स के पावर छ है, बटा में आ जाइए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर और यहां पे एक्स के पावर सेवन हो गया, वन बाई थ्री हो गया और भाग हो गया यहां पर 1.1 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, एक्स के पावर एक्स वहां से हम यहां पर कटाइएगा तो देखिए ना, यहां से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहां से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे ना, तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स के पावर छः कट जाएगा, तो ये दोनों कट सकता है, यहां पर एक्स बचेगा, ये क्लियर है, और ये क्लियर है। उसके बाद देखिए तो वन बटा एक्स का वैल्यू रखिए थ्री 1.331 के पावर माइनस वन, उसके बाद से देखिए पावर में एक बटा तीन, भागा है यहाँ पे वन बटा वन है, 1.1 है। चलिए अब देखिए तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब देखिए ये जाएगा तो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 1.331 और एक बटा तीन तो 1.1 भाग हो जाएगा 1.1 और ये दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा तो आपका वन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वन आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए देखिए सब लोग, इसको एक बार सब लोग ध्यान दीजिए, तो सब लोग ध्यान दीजिए एक बार, देखिए काफी इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं पूरा लीजिए, बस एक एक टर्म ले लीजिए, ये इससे कटा दीजिए तो नीचे आएगा 1.331 के पावर माइनस वन, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1.331 के पावर वन एक बटा तीन 1.1, अब भाग यहाँ पर 1.1 है, दिखाई दे रहा है कि आंसर जो होगा ना आप लोग का आंसर कितना होगा, वन हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में दो बटा तीन आंसर होगा, जो ये बीच में होगा वही आंसर होगा, दो बटा तीन आंसर हो जाएगा, कैसे होता है देखिएगा सही से। देखिए यहां से वन टू फोर कॉमन ले लेते हैं, यहां से वन थ्री और नाइन कॉमन ले लेते हैं, यहां पे देखिए वन टू फोर ले लेंगे तो वन इंटू वन इंटू वन वन क्यूब बच गया, यहां पे देखिए तो वन ले लिए तो बचा टू, टू
टू ले लिए तो बचा टू, अब फोर ले लिए तो बचा टू, टू 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 क्यूब। यहां पर ध्यान दीजिए, वन ले लिए तो बचा थ्री, टू ले लिए तो बचा थ्री, फोर ले लिए तो बचा थ्री यानी थ्री क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ठीक है ना। वैसे ही बाबू नीचे में देखिए, वन थ्री नाइन लिए तो वन क्यूब, यहां से वन ले लिए तो, यहां से वन ले लिए तो टू बचा, थ्री ले लिए तो टू बचा, और नाइन ले लिए तो टू बचा, तो यानी कि यानी यहां पे बचा टू क्यूब, यहां पे बचा थ्री क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है ना। और ये हो गया आपका वन बाई थ्री, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये पूरा होल होल में ना, होल में वन बाई थ्री है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, चार दूना आठ बटा हो गया आपका सताइस के पावर में हो गया एक बटा तीन, ये देखिए तो दो बटा तीन, दो बटा तीन के होल पावर थ्री, एक बटा थ्री है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या आंसर हो जाएगा, दो बटा तीन आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब भी ऐसा सीरीज हो एक बटा तीन हो तो ये आंसर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे और आंसर बताइएगा, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा, जैसे उस इसका क्या आंसर होगा बताइए, बीच में आंसर होता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, दो बटा तीन, दो बटा तीन आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए तो ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर क्या होगा बताइए, तीन बटा पांच, तीन बटा पांच, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल भाई, इधर देखिए बिल्कुल वैसे ही इसका आंसर निकालिएगा और इसका आंसर भी तीन बटा पांच होगा, तीन बटा पांच हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू, अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये देखिए सभी लोग, ये है e के पावर x इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू प्लस एक्स के क्यूब बटा फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 इन्फिनिटी है। एक बात समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दो से भाग देंगे, छह से भाग देंगे, या टू इंटू थ्री इंटू फोर है तो भाग देंगे, भाग देकर सोचेंगे कि आंसर निकाल लें, लेकिन वैसे आंसर नहीं निकलना है, वैसे आंसर निकालना मुश्किल है। कैसे बनाएंगे बाबू, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है और ये एसएससी का पूछा हुआ है, ये मत सोचिए कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, मैं कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं कराता हूं, जो एग्जाम का लेवल है ना उस लेवल को ध्यान में रखते हुए उससे थोड़ा सा बस ऊपर जाके मैं कराने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहां पर हम एक्स बराबर वन रख देते हैं, एक्स पर वन तो ई मिलेगा, वन प्लस यहाँ पर वन प्लस देखिए तो यहाँ पर वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू का मतलब वन इंटू टू, वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री का मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल फोर का मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डैश 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 इन्फिनिटी। अब एक बात समझना है, चलिए देखिए आप सभी लोग, ई का वैल्यू जानते हैं आप लोग, ई बराबर होता है 2.71 2.71 ठीक है ना, e बराबर इतना होता है, e बराबर 2.71828 होता है। अब कि आप लोग, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, इसका मतलब इसका वैल्यू निकालना हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 बाई टू, 1 बाई टू प्लस 1 बाई 1 इंटू टू इंटू थ्री कहिए, चाहे 1 बटा 1 टू 3 कहिए, बात बराबर, इसका निकालना है। तो इस e को इधर तो e माइनस वन मेरा आंसर हो जाएगा, जबकि e का वैल्यू 2.71828 है, इसमें वन घटेगा तो 1.7828 मेरा d आंसर होगा। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, यहां से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आप सभी लोगों को इस सीरीज को बढ़िया से माइंड में रखना है, मगअप नहीं करना है, सही से समझ जाना है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग सुनिए, काफी इजी है ये, देखिए तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा भाई, ये है 5 × 6 है, ये देखिए तो क्या है आपका 10 × 11 है, डिफरेंस 1 तो 1 बाई डिफरेंस, 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट कीजिएगा तो 1 बटा 1, 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 11, अब प्लस इसमें हम समझाए थे कि बीच वाला आंसर होता है तो 2/3, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका
बटा पचपन, यहां पर हो गया 6 बटा पचपन माइनस 2 प्लस 2 बटा 3, 55 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहां 3 से गुणा, यहां 55 से गुणा बाबू, तो यहां 3 हो जाएगा और यहां 55 हो जाएगा। देखिए 55 दूना 110 और 110 और प्लस 18 128 बटा 165, 128 बटा 165 तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए तो काफी इजी है ये बन जाएगा आप सभी से। कैसे बनाइएगा लो, ऐसे देखिए तो 4 3 बाई 4 5 4 बाई 5, 6 में से क्या 5 बटा 6, यहां पे देखिए 4 एक 5 बटा 4, यहां पे देखिए तो 5 6 बटा 5, यहां पे देखिए 6 7 बाई 6 हो गया, डिवाइड बाई है यहां पर, यहां पर आ जाइए 2 2 1 बटा 2, 3 2 बाई 3, 7 6 बटा 7, 3 बाई 2, 3 4 बाई 3, 7 8 बटा 7 है, ठीक है ना। अब देखिए आप सभी लोग, सभी लोग देखिएगा कैसे कटेगा बाबू। अच्छा ये 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, अब देखिए, अच्छा ये 3 से जाएगा दो बार में, ठीक है ना, 5 5 6 6 गया, ऊपर बच गया 7 डिवाइड बाई 2 और 4 8, नीचे में देखिए, इधर देखिए आप लोग 2 से 2 गया, 3 से जाएगा दो बार में, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ठीक है ना, तो 8 8 यहां पर और कुछ बचा है क्या, ये 4 बचा हुआ, 8 चौका 32 बटा में 7 है, 7 नहीं 49 है, ठीक है ना, 7 यहां एक 7 यहां 49, बीच का 20 से गुणा करिए ऊपर भेजिए तो 343, ये दोनों गुणा आपस में, और 32 8 दूना 16 यानी 256 हो जाएगा, 256 नीचे आना चाहिए, 256 तो मेरा ये आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना, ये नंबर आंसर हो जाएगा, करके देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन देखिए बनाइए इसको आप लोग, कैसे बनाइएगा लो, देखिए तो ये 3 बाई 2 इंटू 3 4 बाई 3 5 बाई 4 50 51 बटा 50 हो गया, ठीक है ना, बटा में हो गया। अब देखिए आप लोग 2 1 बटा 2, 3 में से एक गया 2 बटा 3, 4 3 बटा 4 हो गया, और डैश डैश यहाँ 50 50 में से गया 50 से कम 50 50 में से गया 49 बटा 50 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो कैसे बनाइएगा आप लोग, ये ऐसे कटेगा बाबू सब, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 50 यहाँ 50 आएगा कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा 2 2 3 3, ये कटेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा देखिए क्या चीज 51 बटा 2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 बटा 50, ठीक है ना, 1 बटा 50 बचेगा। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम सभी लोग, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे बाबू, ठीक है ना, 51 गुणे 50 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, और 1 गुणे 2 2 से जाएगा 25 बार में, 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1275 आ जाएगा, ठीक है ना, 1275 1275 मेरा बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए समझ गए हमें, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए तो आप लोग, अब अगला क्वेश्चन ये देखिएगा सभी लोग, देखिए ये आसान बनेगा आपसे, देखिए सभी लोग बनेगा कि नहीं, कैसे बनाइएगा लोग, चलिए देखिए सभी लोग तो कैसे बनाइएगा इसको, इसको ऐसे बनाएंगे बाबू, देखिए तो यहां पर ये डिफरेंस है 4, यहां भी 4 1 बाई 4 हो जाएगा,
वन बटा यहाँ पर हो जाएगा थ्री, माइनस वन बटा हो जाएगा वन बटा यहाँ पे 123 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना आप जान ही रहे हैं, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4, 123 में से 3 गया 120, अब बटा में 3 × 123, 3 × 4 = 12 गया, 10/123 आंसर है, 10/123 आंसर है, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान वही है फॉर्मूला पे, देखिए तो 1/4, 1/3 माइनस 1/903, ठीक है ना, एकदम फॉर्मूला पे फिट है, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अच्छा ये फॉर्मूला देखिएगा सभी लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, अरे होता है ना बाबू, ए माइनस बी कीजिएगा तो 1, 2 में से गया 1, 2 + 1 = 3, यहाँ पे देखिए 1/4 में से गया 3, 4 + 1 = 5 हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे देखिए 6 में से गया 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, वैसे ही प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/19 = 21 हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीज 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में 1/डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस 2, 1 अपॉन और यहाँ पे फर्स्ट माइनस 1 अपॉन और लास्ट, लास्ट कितना 21 है, ठीक है ना, सॉल्व करिए, 21 × 20 = 10/21, 10/21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, बनाइए आप सभी लोग, देखिए कितना आसान है, 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 × 7 = 10, 13 में से 3 गया, 10 × 16, यहाँ पे 19 है बाबू, 19 में से 3 गया 16, 19 × 3 = 22, अब यहाँ पे देखिए 3 गया 49 में से 3 गया कितना होगा बताइए, 46, ए माइनस बी, ए प्लस बी करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस और यहाँ भी 6 का डिफरेंस, तो 1/6 इंटू, उसके बाद से 1/1 यहाँ पे 4 माइनस 1/52, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, अरे इसको सॉल्व करिएगा क्या आंसर होगा बताइए, 1/6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 52 करने के लिए 52, 13 से गुणा, यहाँ भी 13 से गुणा, देखिए तो 52 52 तो 52, 13 में से गया 12, 6 से जाएगा 2 बार में, ये आएगा 1/26, 1/26 आंसर हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा भाई, किसी को डाउट है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, उसके लिए मेरे फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए, मेरा जो एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है अभी, एक्सक्लूसिव फाउंडेशन बैच आ रहा है, 5 जून को स्टार्ट होगा, उस 5 जून के बैच को आप सही से ज्वाइन कीजिए, वहां पे एकदम जीरो लेवल से एक एक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर हर चीज एकदम फाड़ू लेवल का सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, अच्छा यहाँ पे 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स का योगफल निकालना है, अच्छा एक होता अल्टरनेट सीरीज, ठीक है ना, अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है ना। अल्टरनेट सीरीज कैसे बनाइए बाबू, इसके साथ देखिए तो आप लोग, 10 टर्म हो जाएगा, 10 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना, 10 टर्म्स, ये 10 टर्म्स हो गया प्लस, उसके बाद देखिए तो 1/1 × 4 प्लस 4 × 7 प्लस यहाँ पे 7 × 10, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर 10 टर्म्स है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप सभी लोग, अब देखिए तो बाबू यहां से यहां तक आप लोगों को देखना है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक देखना है सभी लोगों को, देखिए तो 1 2 3, तो यहां पर क्या होगा, 1/10 × 11 हो जाएगा, कैसे समझे इस बात को,
देखिए पहला टर्म में 1 2 3, तो यहाँ पे 10वां टर्म में 10, यहाँ पर एक ज्यादा 3 से 4, एक ज्यादा तो 10 से 1 11 हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग, इसमें यहां पर 1 है, यहां पर क्या है 4 है, यहां पर कितना है 7 है। तो ये देखा जाए तो एपी में है, और एपी के लिए टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एपी पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग, क्या फॉर्मूला होता है? टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां पर ए ए फर्स्ट टर्म 1 प्लस, यहाँ पे 10वां निकालना है, 10वां निकालना है तो 10 में से क्या 9 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 3, 1 से 4 यानी 3, 29 27 28, तो यहाँ पे देखिएगा तो 28 हो जाएगा। अच्छा ये 3 ज्यादा, ये भी 3 ज्यादा, ये भी 3 ज्यादा, तो ये भी 3 ज्यादा 21 31 हो जाएगा। अब देखिए सभी लोग, सभी लोग देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सीरीज दिखाई देना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो ये पहला सीरीज और ये रहा दूसरा सीरीज, दो सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू। तो पहला सीरीज के लिए बताइए 1/1 अपॉन 1/1 माइनस 1/11 प्लस, उसके बाद यहां पर जो है ना ये 1/3 इंटू 1/1 माइनस 1/31 हो जाएगा। अब देखिए सभी लोग, सभी लोग देखिए, यहां पर हो जाएगा 11 में से 10/11 प्लस 31 में से 30, 3 से 10/31 हो जाएगा, 10 कॉमन लेंगे, 31 प्लस 11 42, अब 42 गुणे 10 420, 420/ ये गुणा करिएगा, 11 से गुणा करने का नियम नहीं जानते आप लोग, ये 3 और 1 को दूरी दूरी पर रखिए और जोड़ के लिख दीजिए, ये हो जाएगा। 11 से कैसे गुणा करते हैं देखिए, 11 गुणे, जैसे मान लीजिए कि आपको गुणा करना 23 से, तो क्या कीजिएगा, 2 3 को दूरी 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 पे लिखिए, अब बीच में 3 2 5, जैसे 11 गुणे मान लीजिए 43 लिखना है, 4 और 3 4 और 3, या दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए 7 लिख दीजिए, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो आंसर आता है बाबू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, तो आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें जो है ना, इसमें कितना टर्म है बताइए, नीचे कितना है 1 2 3, अभी तक कितना था 2 टर्म था, अब 1 2 3 टर्म, 3 टर्म 3 टर्म। अच्छा एक बात समझिए, इसमें इसमें जो है, सबसे पहले इस बात को समझिए आप लोग, इसको ये रिपीट कर गया है, 2 बार आ रहा है बाबू, इसलिए एक बार हटा दिए है, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म रिपीट कर रहा है, 7 10 13 7 10 13, इसको हटाइए, ठीक है ना, ये हटाइए। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, सभी लोग देखिए और बनाइए, क्या होगा देखिए और बनाइए सभी लोग, चलिए देखिए। तो अच्छा इसका बनाने का तरीका क्या है, एक फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला कैसे आएगा ये हम बाद में समझा देंगे आप लोग को, ठीक है ना। पहले देख लीजिए 1/, ठीक है ना, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, उसके बाद इंटू 1/, अच्छा यहां 3 टर्म है तो फर्स्ट का फर्स्ट 2 टर्म माइनस 1/, और यहां पे ध्यान दीजिए लास्ट 2 टर्म,
ठीक है ना, लास्ट का लास्ट टू टर्म ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, लास्ट का लास्ट टू टर्म, अब देखिए सभी लोग हम लोग आगे बढ़े यहां पर, तो यहां पर देखिए तो अब कैसे करिएगा, यहां पर देखिए तो सात में से एक गया छह, दस में से चार गया छह, यहां भी छह है, तेरह में से सात गया छह है, ये भी छह का डिफरेंस है, ये भी छह का डिफरेंस है। और यह नियम तभी लगेगा जब लास्ट में आप फर्स्ट को घटाइएगा और दोनों का कांस्टेंट होगा। हम यहां पे लिख देते हैं, लास्ट लास्ट माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तभी होगा, ठीक है ना। देखिये तो यहां पर वन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन, आइए फर्स्ट का फर्स्ट टू टर्म वन इंटू फोर माइनस वन डिवाइड बाई, यहां पर देखिए तो यहाँ लास्ट का लास्ट टू टर्म 16 × 19 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, मेरा ये आंसर आएगा। लेकिन हम एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन एक बात क्लियर समझिए, ये फॉर्मूला में तीन टर्म है तो यहाँ पे दो दो टर्म लेंगे, चार टर्म रहेगा तो तीन तीन टर्म लेंगे, यानी ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, ठीक है ना। चलिए देखिए सभी लोग, कुछ खास नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। इसको हटाइए, ये वाला टर्म हटाइए, ठीक है ना। एक बात समझिए, हम लोग ऐसे इसको डिटेल में करते हैं। देखिए तो यहां पर 1/6 इंटू, यहां पे फर्स्ट 7 − 1 लिख देते हैं, 7 − 1 और 1 × 4 × 7 प्लस यहां पर लिख रहे हैं 10 − 4, 10 − 4 और यहां पर लिख रहे हैं 4 × 7 × 10, ठीक है ना। प्लस 13 में से 7 बटा में 7 × 10 × 13 प्लस यहां पे 16 में से 10 गया डिवाइड बाई 10 × 13 × 16 प्लस यहां पे ध्यान दीजिए तो 13 × 16 × 19 19 में से 13 गया, यहां पे 19 − 13 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब सभी लोग देखिएगा, यहां पे देखिए तो 1/6 इंटू, इसको हम लिखेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना लिख सकते हैं, इतना बटा इतना तो साथ साथ कटेगा 1/1 × 4 और 1 1 कटेगा तो 1/4 × 7। देखिए तो कैसे हो रहा है ये, वैसे ही इसको देखिए, 10 इतना बटा इतना करेंगे तो 10 10 कटेगा 1/4 × 7 माइनस ये 4 4 कट जाएगा तो 1/7 × 10 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही करते करते अंत में जाइएगा तो अंत में यहां पे देखिए तो 19 कट जाएगा तो 1/13 × 13 × 16 माइनस यहां पे हो जाएगा 13 13 कट जाएगा तो −1/16 × 19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप सभी लोग, तो सभी लोग देखिए, आप सभी लोग तो यहां पर देखिएगा, ये कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग क्या बचेगा, 1/6 इंटू 1/4 माइनस आई आप बच गया 1/16 × 19। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखिए, इधर देखिएगा, इधर देखिए बाबू, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/6 तो अपने जगह पर रहेगा, 16 बनाने के लिए हम इसमें एक 4 से गुणा कर देते हैं, एक 19 से गुणा कर देते हैं, ये दोनों अब सेम हो गया भाई, एलसीएम 16 × 19 यहां पे आ गया। अब देखिएगा आप लोग, 19 × 4 = 68 में गया कितना हुआ, 19 × 4 = 78 में से एक गया 75, यहां 70, ठीक है ना। अब 3 से कटेगा दो बार में, 3 से जाएगा 25, यानी 25 डिवाइड बाई, और ये देखिए सबको गुणा करिए तो 19 × 16 × 2 गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 608 हो जाएगा, ठीक है ना, 608 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कौन सा उत्तर आ गया आपका, देखिए तो कौन सा उत्तर हुआ, ये उत्तर हो गया। तो कैसे बनाए डिटेल में, ये डिटेल में क्या होता है देखिए बाबू, कि ये दो टर्म, ये दो टर्म सेम होने की वजह से यहाँ पे कट जाता है, वैसे ही बीच वाला सारा कट जाता है, फर्स्ट का जो है ना,
फर्स्ट टू टर्म यहाँ पे बचता है और लास्ट वाला का लास्ट टू टर्म इधर बचता है, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाता है और ये सॉल्व होकर ये आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, ये क्वेश्चन है ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें अल्टरनेट, इसको इसको एक, देखिए तो बाबू इसको इसको एक साथ ले लीजिए आप, इसको अल्टरनेट को, अच्छा 20 है तो 10 गो आएगा, ये तो 10 गो आएगा, तो हम देखिए तो पहला में एक यहां पे तीन, एक तीन यहां पर कितना है पांच है, एपी में है तो दसवां टर्म निकालिएगा तो T10 बराबर ए प्लस 90 हो जाएगा। अरे कब है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दो का 18 19, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट वाला दसवां टर्म होगा ना, दसवां टर्म कुछ ऐसे होगा 19 गुणे 2 ज्यादा 21 और गुणे 2 ज्यादा 23 हो जाएगा। तो यानी ये 10 गो को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, 1 बटा डिफरेंस 5 में से 1 गया 4, 23 में से 19 गया 4 बटा में 1 बटा फर्स्ट का फर्स्ट टू टर्म 1 इंटू 3, आइए लास्ट वाला मिला है इसका लास्ट टू टर्म तो 1 डिवाइड बाई 21 गुणे 21 हो जाएगा ठीक है ना, प्लस उसके बाद देखिए सभी लोग प्लस हो जाएगा यहां पर, ये देखिएगा आप, ये देखिए और ये देखिए ठीक है ना, तो यानी कि 1 से हो गया 4, 4 से 7 हो गया 1, 4, 7, ये भी एपी में है, इसमें T10 निकालिएगा दसवां टर्म तो ए 1 प्लस यहां पे T10 निकालिएगा तो क्या होगा बाबू, ए प्लस 90, यहां भी फॉर्मूला लगेगा, ए का वैल्यू 1 है, 9 इंटू कॉमन डिफरेंस देखिए ना यहाँ पे 3 है ना, 3 27 28 आ गया यहाँ पर ठीक है ना, 28 आ गया। अब सभी लोग देखिएगा यहां पर, तो यहां पर जो मिलेगा लास्ट में ना, मिलेगा 28 गुणे, ये 3 ज्यादा है, 28 गुणे 31 हो जाएगा, तो वहां पर मिलेगा 1 बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखिए ना 4 में से गया 3, अब फर्स्ट टर्म कितना है 1 बटा 1 माइनस, इसका आएगा 1 बटा 31 आ जाएगा ठीक है ना, ऐसे करके मिल जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो बाबू इन दोनों को अगर सॉल्व करिएगा ना, सॉल्व करिए आप सभी लोग, देखिए तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिल जाएगा बाबू यहां पर, यहां पर आप लोग का मिलेगा देखिए इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा बाबू 1 बाई 4, उसके बाद से यहां पर हो जाएगा 3 गुणे 21 गुणे 23, 23 गुणे 21 यहां कर लीजिएगा 21 गुणे 23 ठीक है ना, -3 कर लीजिएगा प्लस, इसको देखिए तो 31 31 10 बटा 10 बटा 31 हो जाएगा ठीक है ना। अब इस सबको आपको सॉल्व कर देना है, हम सॉल्व करके आंसर ही लिख देते हैं ठीक है ना, ये सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 1 बाई 4, देखिए सभी लोग यहाँ पे 1 बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 480 बटा में आ जाएगा 1449 प्लस 10 बटा 31 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो 6070 अपॉन 14973 आ जाएगा, 14973 ये आंसर हो जाएगा हम लोग का ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए देखिए सभी लोग तो क्या आंसर होगा, 14973 60, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो ये बन गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए ठीक है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 3 4 5 120 को लिख सकते हैं 4 5 6, अच्छा देखिए पहला में 3 दूसरा में 4 इसमें आएगा 5, ये 6 से स्टार्ट, ये 7 से स्टार्ट और ये जो होगा 8 × 9 × 10 हो जाएगा। हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, 1 अपॉन डिफरेंस, यहाँ पे 1 अपॉन
ठीक है ना, यहाँ टर्म माइनस यहाँ पे वन अपॉन यहाँ टर्म आता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे वन अपॉन डिफरेंस देखिए, पांच में से तीन गया दो बटा में वन अपॉन, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आपका आएगा क्या आएगा बाबू, फर्स्ट का फर्स्ट टू टर्म 12 माइनस लास्ट का टू टर्म यानी कि यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर 13/180 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 16 में से एक गया, बताइए 16 में से गया कितना, 15, 21 में से 6 15, 26 में 11 गया 15, 31 में से 16 गया कितना 15, तो यानी 1/15 हो जाएगा। उसके बाद से 1/4 टर्म है, 4 टर्म है, तो 3 टर्म लेना पड़ेगा यहाँ 66 माइनस, उसके बाद से यहाँ लास्ट का 3 टर्म ले लीजिए, 21 गुणे 26 और गुणे कितना 31। अब आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम लीजिए, इसको इसको गुणा कर दीजिए, ये इतना माइनस इतना कर दीजिएगा, 1/15 यहाँ पे 21 गुणे 26, 21 गुणे 26 गुणे 31 माइनस 66 अपॉन, और यहाँ पे 66 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 31 ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब बाबू देखिए इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, सॉल्व करके देखिएगा आपका ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए मम्मी कहा आगे लो फोटो, भाई आ गए भाई क्या आई बच गए दोबारा, आओ भैया लेके आ गए देखो अब तू आ गई ना, काटक पड़ी है जब से कटा जाए ये वाला क्वेश्चन चलत रहा अभी, हो गई भाई, हाँ आ गया तो मेहनत लगा था ना। हम नहीं की कहले कुछ जनरल हो गया बा, तब तक एकरा आवाज ना आइलो, कहीं एकरा पहले पूरा रिकॉर्ड कर लेवे 25। हां ठीक बा, पढ़ाओ तनी एकरा आगे काट दिए जक से 27 क्वेश्चन बा ना, तो से देख लिए 27 28 के बीच में है। तो चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ये क्वेश्चन को देखिए तो इसमें भी कुछ नहीं है बाबू, 1/15 उसके बाद देखिए आप लोग 1, 2, 3, 4 15, 16, 17 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग क्या होगा इसके आगे देखिएगा, 1/ यहाँ पर देखिए 1/ क्या होगा बाबू, तो 1/ हो जाएगा चार में से, देखिए चार में से गया तीन, पांच में से दो गया तीन, ठीक है ना। 1/ यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 माइनस हो जाएगा 1/ यहाँ पे लास्ट 3 टर्म 16, 17 और यहाँ पे 18। देखिए 4 टर्म है ना यहाँ पर, अगर 4 टर्म रहेगा तो शुरू का 3 टर्म लेंगे और लास्ट का 3 टर्म लेंगे, क्योंकि जब इसको हम 4-1 लिखेंगे ना तो एक टर्म कट जाएगा, चार चार कट जाएगा, तीन तीन टर्म बचेगा और बीच वाला सारा कैंसिल आउट होगा और शुरू का 3 टर्म बचेगा और लास्ट का 3 टर्म बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है ना,
फाउंडेशन बैच जो मेरा स्कूल चलता है उसमें हम थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा आप लोग एलसीएम निकाल कर। अब चलिए देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिए। तो कहीं भी अगर ए ए आर और ए आर स्क्वायर टाइप का हो बाबू, इसको जीपी बोला जाता है। अच्छा, जीपी में एस एन का फॉर्मूला निकालिएगा तो एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन और डिवाइड बाई वन माइनस आर होता है, और एस इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ठीक है ना। वन अपॉन वन माइनस आर ये होता है आपका, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग देखिएगा आप लोग, यहां पर हम आते हैं तो यहां पे फर्स्ट टर्म ए बराबर वन, आर बराबर वन बटा पच्चीस है, ठीक है ना। वन बटा पच्चीस है, यहां पर एक बटा पच्चीस से गुणा हो गया, एक बटा पच्चीस से गुणा हो गया, पच्चीस से गुणा हो गया, एक बटा पच्चीस से गुणा होते जा रहा है, यानी जीपी में है। और जीपी में एस इंफिनिटी यानी एस इंफिनिटी निकालिएगा तो वन अपॉन वन, अच्छा ये लेस देन वन होता है तब, यहाँ पे आर लेस देन वन होता है ना, याद रखिएगा आर लेस देन वन होता है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए वन माइनस वन बटा पच्चीस हो जाएगा, भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका पच्चीस नीचे चौबीस ऊपर पच्चीस, यानी पच्चीस बटा चौबीस, और भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.0417, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1.0417 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बी और डी यहाँ पे सेम आंसर हो गया है, बी और डी दोनों सेम है तो कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखिए सभी लोग। तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, देखिए ऐसे बनाएंगे बाबू, वन बाई सेवन प्लस वन बाई सेवन क्यूब प्लस डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है ना, प्लस उसके बाद यहां देखिए टू बाई सेवन स्क्वायर प्लस प्लस यहां पे टू बाई सेवन के पावर फोर प्लस डैश 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 डैश, ये हो गया। अब देखिए सभी लोग यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या होगा, अगर हम इसमें वन बाई सेवन कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां वन प्लस वन बाई सेवन स्क्वायर आएगा प्लस डैश डैश डैश, यहां पे अगर हम टू बाई सेवन स्क्वायर कॉमन ले लें वन बाई सेवन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस डैश डैश डैश। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसके लिए देखिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, इसमें ए का वैल्यू वन है और वन माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे वन बटा सात स्क्वायर उनचास है, यानी वन बटा उनचास हो जाएगा। अब ये उनचास अड़तालीस उनचास उनचास बटा अड़तालीस हो जाएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं उनचास बटा अड़तालीस, उनचास बटा अड़तालीस यहाँ पे रखिए आप लोग, वन बाई सेवन वहां पे हो गया उनचास बटा अड़तालीस, उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए दो बटा उनचास और इंटू यहां पर जो हो जाएगा आपका उनचास बटा अड़तालीस हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, ये दोनों को हम एक बार में सॉल्व कर लिए यहां पर, ठीक है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, सात सते उनचास 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 गया, सात बटा अड़तालीस दो बटा अड़तालीस सॉल्व करिए तो नौ बटा अड़तालीस हो जाएगा, ठीक है ना, नौ बटा अड़तालीस। हालांकि ये कट सकता है लेकिन इसी फॉर्म में यहाँ पे आंसर दिया है, नाइन बाई फोर्टी एट इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। अब इस क्वेश्चन को आप बना लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज पर है, अब इसको बनाइए। इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़े हुए थे, देखिए इसको ऐसे बनाइए, एस बराबर पांच बटा तेरह प्लस पचपन बटा तेरह स्क्वायर, पांच सौ पचपन बटा तेरह के पावर थ्री, पांच हजार पांच सौ पचपन तेरह के पावर चार प्लस डैश डैश इंफिनिटी है, ठीक है ना, डैश 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 इंफिनिटी है। अच्छा आप देखिए, पर ये सीरीज ना ही जीपी में है और ना ही एपी में है, नाइदर इन जीपी नॉट इन एपी, ना एपी में है ना जीपी में है, ठीक है जी, जीपी में एपी में नहीं है। इसको हम बोलते हैं अरिथ अरिथ ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, अरिथो ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना। इसमें हम करते क्या है बाबू, तेरह से भाग अगर दीजिएगा आप लोग, देखिए आप लोग ये पांच बटा तेरह है ना, तो ये पांच बटा तेरह स्क्वायर बन जाएगा, ये यहां पर तेरह स्क्वायर है तो ये पचपन तो ऊपर रहेगा और यहां पे तेरह का क्यूब बन जाएगा प्लस,
यहाँ 555 और यहाँ 13 के पावर 4 बन जाएगा, प्लस डैश 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 इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए आप लोग, अब देखिए सभी लोग, तो सभी लोग देखिएगा इसको, इसको कैसे करेंगे हम लोग, घटाइए पर माइनस 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 घटाइए सभी लोग, घटाएंगे तो देखिए तो यहाँ पे 13s 12s/13 इज इक्वल टू यहां पर 5/13, उसके बाद प्लस यहां पे हो जाएगा 50/13 स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 500/13 का क्यूब, यहां हो जाएगा 5000/13 के पावर 4, उसके बाद देखिएगा आप लोग, उसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं ना बाबू, सुनिए, 1/13 सब जगह से कटा देते हैं, या रहने दीजिए अभी, कोई बात नहीं अभी रहने दीजिए, बाद में कटा देंगे। ये 5/13 है, ठीक है, प्लस यहां पे देखिए 5/13 हम कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा यहां पे 10/13 प्लस, अच्छा 5/13 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा कितना, 100/13, यानी 10/13 का होल स्क्वायर। देखिए तो प्लस, और यहां पर अगर हम 5/13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10 का क्यूब, और 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 का क्यूब बचेगा, यानी 10/13 के पावर 3 बचेगा, प्लस डैश 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 इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 12s/13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, ये ए है, अगर ये ए है, ये क्या है, ए तो ये आर है, ये ए है तो ये आर स्क्वायर है, ये ए है तो ये आर क्यूब है, ठीक है ना, इस तरह से इन्फिनिटी तक। अच्छा यहां पर आर का वैल्यू लेस देन 1 है, देखिए 10/13 एक से कम है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा a/(1-r), ए का वैल्यू 5/13/(1-10/13), यहां पर हो जाएगा 5/13/13 में से 10 गया 3/13 13 13 गया 5/3। उसके बाद देखिए आप लोग कैसे करिएगा आप लोग बाबू, यहां पर 12s/13 = 12s/13 = 5/3, ठीक है ना, 5/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो s इज इक्वल टू 13/65/12 = 36, ठीक है ना, तो 65/36 इसका आंसर होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देने वाले हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है बस, ठीक है। देखिए क्या आंसर है, 65/36, यानी हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 65/36। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए, या अगला क्वेश्चन बाद में बनाइएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग फाइनली। तो सुनिए, जब कभी भी ऐसा सीरीज आएगा तो इसको एस मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा, एस मान लीजिएगा, एस मानने के बाद इसमें 13 से एक बार भाग दीजिएगा, एक टर्म शिफ्ट करा के लिखिएगा, उसके बाद घटाइएगा, घटाइएगा तो जीपी आ जाएगा, जीपी आ जाएगा तो बन जाएगा। जैसे ये है क्वेश्चन, इसको बनाई, ये नहीं, ये तो कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग, बनाइए, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। देखिए तो कैसे बनाइएगा बाबू, एस इज इक्वल टू 1+2/3 4/9+6/27+8/81+10/243+...... ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो आप लोग, यहां पर ये हो गया, उसके बाद जो है ना, यहां पर हम आगे देखते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहां पर एस बाई थ्री हम यहां पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू 3 से भाग देकर, तो 1/3 इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, 2/3 से भाग दीजिएगा तो 9, यहां 4/9 है 3 से भाग देंगे 27, यहां 6/27 = 81, उसके बाद यहां पे देखिए तो यहां 8 है, आइए 243 हो जाएगा, ऐसे करके डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, देखिएगा लो कैसे होगा, देखिए तो बाबू यहां पे घटा देते हैं, अगर घटाइएगा तो यहां पे क्या मिलेगा, 2s/3 =
वन प्लस 2/3 में से 1/3 गया, 1/3 माइनस 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 सब माइनस कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 4/9, 2/9 घटाइएगा तो 2/9 प्लस यहाँ पे 6 में से 2 गया 2/27 प्लस यहाँ पर देखिए तो 2/81 प्लस यहाँ पर 2/243 प्लस डैश डैश ऐसे करके हो जाएगा इन्फिनिटी तक। ये जो जाएगा ना इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस ये हो जाएगा 4/3। यहां से हम 2/9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 2/9 कॉमन ले लेते हैं तो 2/9 कॉमन 1/3 प्लस 2/9 कॉमन ले लेते हैं 1/9 आ जाएगा प्लस 2 ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 × 2 = 18, 24 में से 18 गया 6 × 6 = 9, 7 = 63 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग यहां पर क्या होगा बाबू, इज इक्वल टू ये है 2s/3 इज इक्वल टू ये हो गया 4/3 प्लस ये हो गया 2/9 इज इक्वल टू। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर a डिवाइड बाई 1 - r वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए तो 2s/3 बराबर हो गया 4/3 प्लस 2/9 इंटू ए का वैल्यू रख लीजिए 1 1 - r, r का वैल्यू 1/3 3 2/3। ठीक है ना, ये सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 4/3 प्लस 2/9 3 2/3 3/2, 2 से 2 गया 3 से 3 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए तो यहां पर हो गया 4 × 1 5, 5/3 हो गया, 5/3 हो गया तो यहां पर हो गया 2s/3 इज इक्वल टू 5/3 हो गया, 3 3 कैंसिल। सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिएगा तो s इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा आंसर आप लोग का। तो यहां पर जो आंसर आया ना, ये आंसर कितना है 5/2 देख लीजिए, तो ये आंसर हो गया। तो ये ऐसे करके ही बनेगा और कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर 5/2 हो जाएगा भाई, किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, चलो आगे देखे देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, आप बना लीजिएगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसके बाद से ये क्वेश्चन बनाना है, इसको बनाइए आप लोग 45 क्वेश्चन, इसको बनाइए। देखिए तो कैसे बनेगा, बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं उसको बाद में करा देंगे। ठीक है ना, इसको देखिए आप लोग, देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं क्या बाबू, 1 देखिए लोग 1/1² - 2² इसको सॉल्व करिएगा तो 2² = 4, 1² = 4 में से गया 3/1² × 2² सेम मिल जाएगा प्लस 1/2² - 1/3² लिख सकते हैं इसको, 3² = 9, 2² = 4, 9 में से 4 गया 5, 5/2² = 3² ऐसे करते करते ये इन टर्म तक जाना है। ठीक है, अब देखिए बाबू आप लोग, मेन बात है लास्ट में समझना, इसमें इन टर्म तक जाइएगा ना आप लोग तो सबसे लास्ट में यहां पर जो होगा ना, यहां पर क्या होगा, पहला में 1 2 3 तो यहां पे एन स्क्वायर इंटू आई, यहां पर n+1² होगा आई, यहां ऊपर जो होगा ना ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस का मतलब 2n+1 होगा यहां पर। कैसे डिफरेंस, 2² = 1² 2² = 4 1² = 1 में से 1 गया 3 9 में से 4 गया 5 वैसे ही n+1² करिएगा तो n² + 2n+1 में से एन स्क्वायर घटेगा तो 2n+1 आ जाएगा तो 1/1 यहां पर हो गया आपका n+1² - 1/n² हो गया। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग सभी लोग देखिएगा, नहीं
नहीं उल्टा हो गया, इसमें ये एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए सारा बीच वाला टर्म इक्वल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे यहाँ बीच में डैश डैश, यहाँ बहुत सारा टर्म है, वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म निगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि वन बाई वन माइनस वन बटा, और यहाँ पे एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, वन वन कट जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन बटा में हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग क्या आंसर हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा। एक बात और समझना है बढ़िया से आप लोग को, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, देखिए बाबू, जब कभी भी ऑप्शन में एन दिया रहे, ये ऑप्शन जो है ना, इस ऑप्शन में एन दिया हुआ है, तो हम लोग चाहे तो पुट करके बना सकते हैं, ऑप्शन में एन देने पर, ऑप्शन में एन दिया हुआ है तो पुट करके बनाया जा सकता है। कैसे पुट करेंगे इस चीज को समझिए आप लोग, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम एन बराबर, जैसे एन बराबर हम वन लेते हैं, वन का मतलब पहला टर्म लीजिएगा, तो यहां से एस का वैल्यू सम, पहला टर्म माने केवल एक ही को टर्म रहेगा, ये पूरा नहीं रहेगा, यही रहेगा, तो जो सम आएगा थ्री डिवाइड बाई वन स्क्वायर टू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फोर आ जाएगा, थ्री बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, एन का वैल्यू जैसे यहाँ वन रखिएगा, यहाँ पर एन वन रखिएगा, वन स्क्वायर वन माइनस टू इंटू वन, यानी माइनस वन, अब बटा में यहाँ पे एन का वैल्यू वन रखिएगा तो जीरो स्क्वायर, तो ये नहीं मिला हम लोग का। एस सम का वैल्यू, एस यानी सम आना चाहिए थ्री बाई फोर, यहाँ पे देखिए एन वन रखिए तो ऊपर थ्री बाई फोर, यहाँ पे रखिएगा तो ऊपर थ्री बाई वन, आइए ना, तो बी में थ्री बाई फोर आया है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे बेहतरीन टेक्निक यही होता है कि वैल्यू जब कभी भी ऑप्शन में एन दिया हो तो एक टर्म एन बराबर वन यानी पहला टर्म का योगफल सम निकालिएगा, केवल अगर एक ही को टर्म रहेगा तो थ्री बाई वन स्क्वायर टू स्क्वायर फोर इंटू वन फोर आएगा, और एन बराबर वन रखने पर जहां पे थ्री बाई फोर आएगा वही मेरा उत्तर होगा। यहाँ पे केवल बी में थ्री बाई फोर आया है और इसलिए बी आपका आंसर है और आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग 46, इसको कैसे बनाइएगा, लो इसको ऐसे बनाएंगे बाबू, इसको देखिए कैसे बनाइएगा आप लोग, ऐसे 3 9 27, यहां पे देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 1/3 इंटू, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 स्क्वायर 2/18, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, 3 के पावर 3 3/81 डैश 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 इंफिनिटी टर्म्स। अब देखिए आप लोग, आप ये चीज जानते हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, a के पावर m गुणे n, m प्लस n हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यहां पर 3 1/3 प्लस, अच्छा ये कट जाएगा तो 1/9 प्लस, ये कट जाएगा तो 1/27 प्लस डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 3 के पावर। अब देखिए आप लोग 1/3 1/9 1/27, ठीक है ना, 27 प्लस डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए तो आप लोग इसको कैसे जोड़िएगा, लो ये जीपी में है, ये जो है ना जीपी में है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है, 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/9, 1/3 से फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/27, अब फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे करते जा रहा है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a बटा 1 माइनस r, आप लगा लीजिए a का वैल्यू 1/3 1/3 और माइनस 1 माइनस 1/3 करिएगा तो 2/3 3 3 कटेगा 1/2 आ जाएगा, तो यहां पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब √3 आंसर हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा, करके देख लीजिए तो आपका √3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग,
ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको बनाना है बाबू, इसको कैसे बनाइएगा लो, देखिए तो हम ऐसे लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 3, 3 के पावर 3, उसके बाद देखिए यहां पे 3 1/3, फिर यहां पे लिख रहा है 3 के पावर 3, 3 के पावर 1/3 डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है ना, ये ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए तो यहां पे ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका वाई, ठीक है ना, इसलिए कि यहां से यहां तक रिपीट कर रहा है। देखिए 3 के पावर 3, 3 के पावर 1/3, इसको हटा दीजिए तो फिर ये वही चीज है, 3 के पावर 3, 3 के पावर 1/3, फिर रिपीट 3 के पावर 3, 3 के पावर 1/3, सेम चीज रिपीट करेगा। तो यहां से यहां तक देखा जाए तो ये वाई है। अब देखिए तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 के पावर 3, 3 के पावर 1/3, और ये हो जाएगा वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो बताइए यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के पावर 3 स्क्वायर रूट 3 के पावर 1/3, और यहां पे वाई, फिर अगेन स्क्वायरिंग y के पावर 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर करिए 3 स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। अरे 3 स्क्वायर 3 के पावर 3 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस इधर देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो इंटू 3 के पावर 1/3 वाई हो जाएगा, ये वाई से कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा y के पावर 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस सेम है 3, तो 6 + 1/3 हो जाएगा 36 18 19, यानी कि हो जाएगा 3 के पावर 19/3 हो जाएगा। अब ये 3 चला जाएगा तो देख लीजिए आप लोग, यानी वाई इज इक्वल टू 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 3, ये 3 19/6, 19/6 आंसर आ रहा है, 3 के पावर 19/6। ऑप्शन एक बार देखिए क्या है, ऐसा है कि नहीं, अच्छा ऑप्शन में सब जगह 9 है तो यहां 9 बनाना हम लोगों को, तो देखिए यहां 9 बनाने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 3 को लिख सकते हैं 9 के पावर 1/2, अरे लिख सकते हैं बाबू, और ये 19 बटा कितना है 6 है। अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 9 के पावर 19/18, ठीक है ना, 6 × 12 19/12, ठीक है ना, 19/12 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर हो रहा है, 9/19/12, कौन सा आंसर हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई, क्या थोड़ा सा एरर हो गया लगता है। देखिए तो आप लोग ये वाई क्यूब 19/3, ये 3 जाएगा तो नीचे जाएगा, तो यहां पर जो आएगा ना, यहां पर 9 आना चाहिए था, देखिए तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था, ठीक है, और 9 यहाँ पे होता तो 9 × 18 यहाँ पे होता, 19/18। अब देख लीजिए ऑप्शन आप लोग, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, आपका 9 के पावर 19/18। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ये वाला, अच्छा सुनिए इसमें तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पर 4 है, अच्छा यहाँ पे जो होता है उसको 2 फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं, 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर में तोड़ते हैं, अब बड़ा वाला आंसर होता है, यानी बड़ा वाला 3 है और छोटा वाला 3 है, 3 × 4 होगा तभी जाके 4 आएगा, अरे हाँ कि ना, 3 × 4 होगा तभी 4 आएगा यहाँ पर, तो यानी x का वैल्यू x बराबर कितना होना चाहिए, 12, x बराबर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो चलिए कुछ हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर देखिए सब लोग, जैसे जैसे मान लीजिए बाबू, अगर हम बोले कि सिग्मा, यहां पर अगर हम बोले सिग्मा, सिग्मा जैसे हम बोले एन 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 बराबर 0 टू एन बराबर 0 टू एन सपोज यहां पे लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और एन का वैल्यू यहां पे 1 है सपोज 1, तो एन बराबर 1 लिए प्लस, फिर एन का वैल्यू अगला 2 ले लेंगे प्लस, सिग्मा माने प्लस, एन का वैल्यू अगला वैल्यू लेंगे 3, सिग्मा माने प्लस, एन बराबर 4, और ऐसे करते 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 लास्ट में जो लेंगे ना हम लोग, लास्ट में लेंगे यहां पर, लास्ट में ले लेंगे एन का वैल्यू, यहां पर हम लोग ले लेंगे एन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ये मिल जाएगा 1 से लेके एन तक,
यानी एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइड भाई यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है ना, एक से लेके एन तक, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कहीं भी सिग्मा एन, कहीं भी अगर हम सिग्मा एन लिखेंगे आज के बाद, तो सिग्मा एन बराबर आप क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस अप टू एन तक, एन का वैल्यू वन से वन टू थ्री फोर फाइव एन तक, यानी इसका मतलब समझिएगा एक प्लस दो डैश 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 एन, और इसका वैल्यू आप सब लोग जानते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये जानते हैं सभी लोग। चलिए अब देखिएगा सभी लोग, हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब है वन स्क्वायर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, डैश डैश डैश, इसका मतलब है एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी याद होगा आप लोग को, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई यहाँ पर होता है टू एन प्लस वन, यहाँ पर टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स होता है, यहाँ पर टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या होगा सिक्स होगा। अब देखिएगा अगर सिग्मा एन क्यूब लिखे तो इसका मतलब क्या होता है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डैश 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 और यहाँ पर एन क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, होल स्क्वायर होता है, तो ये होगा आपका, ठीक है ना, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया और ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला ये याद रखिएगा आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, चौथा नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एक प्लस यहां पर हम लिख रहे हैं एक एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात, ठीक है ना, अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, ठीक है ना, एन टर्म तक। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है एक तीन पांच सात ऐसे करते करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है बाबू, तो यहां पर देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और ऑड रहेगा एन को ऑड रहेगा, पहला ऑड दूसरा ऑड, देखिए पहला हुआ एक ऑड लीजिएगा तो वन स्क्वायर, दो को ऑड लीजिएगा पहला और दूसरा ऑड लीजिएगा तो चार, चार का मतलब दो स्क्वायर, तीन को ऑड लीजिएगा तो नौ बनेगा, नौ का मतलब तीन स्क्वायर, वैसे ही अगर एन को ऑड लीजिएगा तो याद रखिएगा इसका मतलब एन स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या होगा जी एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब एन स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, वैसे ही अगर मान लीजिए हम लेते हैं इवन लेते हैं, जैसे मान लीजिए टू फोर प्लस सिक्स लेते हैं, ठीक है ना, और एन टर्म लेते हैं एन टर्म, तो यहां पे ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला, यहाँ टू कॉमन लीजिएगा तो वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये जो है एन टर्म है तो टू कॉमन लेने के बाद भी एन टर्म रहेगा, बस दो यहां से बाहर निकल गया होगा, तो यहां पर हो जाएगा दो और यहां पर हो जाएगा एन इंटू यहां पर हो जाएगा एन प्लस वन और डिवाइड बाई यहां पे टू, यानी कट जाएगा तो यहां पे हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन ये इवेन का योगफल होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगला तो अगला समझिए पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा आप लोग, जैसे इस बात को समझिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिए टी एन टी वन, यहां पर लिए टी टू, यहां पर लिए टी थ्री डैश डैश, यहां पर लिए टी एन, इस सबको जोड़ना है, तो एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन बराबर होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डैश 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 टी एन, अगर पहला टर्म से लेके एनवा टर्म तक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाता है एस एन मिल जाता है, एस एन मिल जाता है। इस बात को और बढ़िया से समझिए, तो यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए बाबू एस एन इजकल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा टी एन है और यहां पर अगर हम सिग्मा लगा दे तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिग्मा का मतलब होता है टी वन से स्टार्ट करना है, सिग्मा माने प्लस एन के जगह पर टू प्लस एन के जगह पर थ्री प्लस एन के जगह पर फोर डैश डैश प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस एन, ठीक है ना, ये एस एन हो जाएगा, समझ में आ रहा आप लोगों को, ये आपका एस एन हो जाएगा। तो एस एन के लिए याद रखिएगा, कहीं भी एस एन निकालना होगा तो सिग्मा अगर टी एन कर देंगे ना तो एस एन निकल जाएगा, ठीक है ना। ये सब सीरीज अब आने लगा है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन लेकिन बनेगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है
जो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखना है हम लोगों को। देखिएगा एक सीरीज यहां पर ऐसे हम लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा, एक सीरीज लास्ट में यहां पर हम लिख रहे हैं एक प्लस, अच्छा एक प्लस दो सपोज यहां पर है, प्लस यहां पर एक प्लस दो प्लस थ्री है, ठीक है ना, प्लस डैश डैश। अगर इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, तो देखिए क्या मिलेगा बाबू। यहां पर इसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई यहां पर सिक्स होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, देखिए सभी लोग एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिए, सपोज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया कि टी एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन सपोज दे दिया है, आप बोले कि एस एन बराबर हाउ मच, तो कैसे हम लोग निकालेंगे बाबू। हम लोग एस एन के लिए हम जानते हैं एस एन बराबर होता है सिग्मा टी एन, देखिए तो क्या होता है एस एन बराबर सिग्मा टी एन होता है। अब यहां पर हम सिग्मा रखेंगे और टी एन के जगह पर क्या रखेंगे, टू एन प्लस वन रखेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू टू बाहर ले लिए तो टू सिग्मा एन प्लस आई यहां पर सिग्मा वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सब लोग, अब इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, टू इंटू इसका मतलब एन, एन का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव एन तक, तो इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है ना, प्लस आ इसका देखिए तो सिग्मा वन का मतलब एन बराबर वन से लेकर, वन से लेकर एन तक, एन बराबर वन से लेकर एन तक वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, तो यानी यहां पर एन ए होगा, एक प्लस एक तीन बार जोड़ेंगे तो तीन, फाइव टाइम्स जोड़िएगा वन 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 फाइव टाइम्स फाइव आई एन टाइम्स लेंगे एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये एस एन हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग एस एन निकाल सकते हैं, टी एन से एस एन ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे अभी, जैसे सपोज चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं अपने मटेरियल में, जैसे जैसे बाबू ये क्वेश्चन है, सपोज देखिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अप टू 16 टर्म्स का योगफल निकालिए। तो सुनिए, तो यहां पर जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका एस एन लेते हैं, एस एन नहीं सॉरी, हम मान लीजिए कि टी एन ले लेते हैं बाबू, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए सभी लोग, जैसे हम टी एन ले लेते हैं बाबू, ये पहला में एगो, दूसरा में दू गो टर्म, तीसरा में तीन गो टर्म, एनवा में एन गो टर्म, वन दो क्यूब तीन क्यूब चार क्यूब पांच क्यूब छह क्यूब एन क्यूब, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर डिवाइड बाई यहां फोर हो जाएगा, क्योंकि एनवा टर्म में ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म ये है तीसरा टर्म, एनवा टर्म में वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब डैश डैश एन क्यूब, आ एक क्यूब से लेके एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ दो स्क्वायर चार, आ यहाँ पर एक प्लस तीन प्लस पांच तीन को टर्म, तीसरा में तीन को ऑड टर्म, आ अगर मान लीजिए एन होगा तो इन को ऑड टर्म होगा, तो यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा बाबू। अब इसको करिएगा आप लोग तो मिलेगा वन बाई फोर, आ इसको करिएगा तो एन स्क्वायर प्लस टू एन टू एन आप प्लस यहाँ पे वन मिल जाएगा, ठीक है ना, वन मिल जाएगा। अब देखिए सभी लोग, अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है बाबू, हम लोग को निकालना है एस एन, ठीक है ना, एस एन अगर निकालना है सपोज, तो एस एन निकालने के लिए क्या करेंगे वन बाई फोर, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग एस एन के लिए सिग्मा, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है सिग्मा टी एन, ठीक है ना, ये होता है सिग्मा टी एन वन बाई फोर सिग्मा, ये टी एन है तो वन बाई फोर कॉमन सिग्मा यहाँ पे लग जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा यहाँ पे सिग्मा टू कॉमन ले लीजिए एन, अब प्लस यहाँ पे सिग्मा वन हो जाएगा, अरे होगा, चलो देखो यार इधर देखो तुम लोग, चलिए देखिए सब लोग, देखिए तो वन बाई फोर इसका क्या होगा बताइए, इसका मतलब एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर एन स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है ना, प्लस
इंटू, इसका क्या होता है एन का, एक प्लस दो प्लस एन तक, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एन तक, तो क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अरे होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये टू टू कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा सभी लोग, प्लस उसके बाद ये सिग्मा वन, वन का मतलब क्या होगा बताइए, वन 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 प्लस वन प्लस वन, थ्री टाइम्स लेंगे तो थ्री, फाइव टाइम्स लेंगे फाइव, एन टाइम्स लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एन हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 16 पदों का योगफल निकालनी है, तो ये 16 निकालने के लिए 16 रख दीजिए इनके जगह पर, तो 1/4 यहां पर आएगा। उसके बाद देखिए सभी लोग, सब जगह 16 रखिए, तो 16 गुणे 17 और गुणे 16 दो 32 33 बटा में 6 प्लस यहां पे 16 गुणे 17, 16 गुणे 17 और प्लस यहां पर कितना बोलिए, यहां पर जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना, करके देखिए क्या आएगा। 1/4 6 से कटाइए तो 3 कट जाएगा यहां पे 11 और 2 कट जाएगा यहां पे 8, 8 7 42, अब 42 में 11 मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 और यहां पे 6 हो जाएगा 462 प्लस यहां पे देखिए 17 5 85, 17 छक्का 102 का 2 हाथ में 10, 17 एकम 17 और 17 10 कितना 27, 17 10 27 प्लस 16, ठीक है ना। अब जो देखिए जोड़ दीजिए सबको, क्या मिलेगा यहाँ पर, तो जोड़िएगा तो देखिए 1/4 यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा बाबू, 2 2 4 4 6 10 का 0 हाथ में 1 2 7 9 और 9 और 6 9 6 15 का 5 हाथ में 1 5 5 और 2 7 ये मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, 750 बटा 2। नहीं, 2 2 4 4 6 10 का 0 हाथ में 1 9 6 1 7 7 7 14 14 1 15 का 5 हाथ में 1 4 1 5 5 2 7 ये मिला। अब 4 से कटेगा क्या, ये 4 एकम 4 3 4 8 32 3, नहीं कहीं मिस्टेक हो गया है, कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है, देखिए कहाँ मिस्टेक है बाबू, ये चीज थोड़ा सा लेंदी था। यहाँ पर तो ये टी एन बराबर ये सही के एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, ये एन स्क्वायर सही के कट गया, एन स्क्वायर टू एन प्लस वन सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, ये भी सही है। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे सही है n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, टू एन सही है, यहाँ पे n है, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो 16 गुणे 17 गुणे 33 बटा 6, 16 गुणे 17 प्लस 16 सही है बिल्कुल 1/4। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कहीं एरर हुआ है थोड़ा सा, 16 गुणे 17 गुणे, अच्छा यहाँ जो हम लोग किए हैं ना यहीं पर मिस्टेक हुआ है। देखिए हम लोग यहाँ पे ले लिए क्या चीज, 8 छक, हम लोग 8 यहाँ पे 6 7 42 यहाँ लिए थे, मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर एरर है, ठीक है ना, यहाँ बेसिकली 17 है तो ये 6 से कट गया था तो ये 11 आया था यहाँ पे, यहाँ बचा तो यहाँ पे आ गया 8 आ गया, ठीक है ये तो 6, 8 गुणे 17 गुणे 11 करिएगा तो ये हो जाएगा 88 गुणे 17, ठीक है ना। अब सॉल्व कर दीजिए, सारा सॉल्व करने पर आ रहा है 446, ठीक है ना, 446 यहाँ पे ये एरर है, ठीक है ना, तो ये सॉल्व कर दीजिएगा तो 446 आ जाएगा, ठीक है ना, 446 तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा 446। चलिए अब देख लीजिए तो क्या आंसर हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर जो ये आंसर हुआ ये 446 हो गया, ठीक है ना, तो सिंपल था। एक बार और इसको देख लीजिए, बस एनवा टर्म लिखना था, सिग्मा अप्लाई करना था, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन इस टाइप का कराते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा देखिए तो ये क्वेश्चन छोड़िए, इसको देखिए आप लोग, देखिए इसको कैसे बनाइएगा, 20 टर्म तक यहां पे 20 टर्म का योगफल निकालना है, ठीक है ना,
अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो वन है। अच्छा वन टू थ्री, तो सबसे पहले टीएन लिखिएगा, तो पहला में एक, दूसरा में दो, तीसरा में तीन, एनवा में यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू। उसके बाद देखिए 3 से 5, 5 से 7, ठीक है ना, 3 5 7, यहाँ पे देखिए तो 3 5 5 और यहाँ पे 7 10। तो अगर मान लीजिए एनवा टर्म निकालिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 3 टी एन बराबर क्या लिखिएगा, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, अरे होता है ना बाबू, एन माइनस वन इंटू डी, तो 3 n-1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। तो देखिए ना सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2n 2n, 3 -2 +1 हो जाएगा, तो 2n+1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा, n 4n² 2ab, 4n+ ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी लोग, सभी लोग देखिए क्या होगा, यहां पर 4n³ + 4n² + और यहां पर n हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिएगा सभी लोग, जैसे मान लीजिए, मान लो बाबू इसको याद, इसको मान लीजिए हमको सिग्मा निकालना, अब जैसे मान लीजिए एसएन निकालना, तो एसएन के लिए क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा टीएन, तो 4 आई, इसमें सिग्मा अप्लाई करिए, सिग्मा एन क्यू 4 सिग्मा n² और यहां पर क्या होगा, सिग्मा एन हो जाएगा, अरे होगा। अब देखिए तो क्या होगा, इसके आगे सॉल्व करिएगा लोग, तो ये क्या होगा बताइए, 4 और सिग्मा एन क्यू, एन क्यूब का मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब n³ का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है इसका 4। आइए 1² 2² 3² n² का फॉर्मूला शुरू में ही बताया अभी, n × n+1/2, नहीं नहीं इसका फॉर्मूला क्या, n × n+1 बताइए क्या होगा, 2n+1 और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो यहां प्लस या सिग्मा एन, सिग्मा एन क्या होगा बताइए, 1 + 2 + 3 + n तक, तो बताइए क्या होगा, 1 2 3 n तक, एन तक करिएगा, जोड़िएगा इसको एन तक, तो क्या होगा बताइए, क्या 1 + 2 n तक, तो n × n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, एक बार देखिए सही से, इसको समझिए आप लोग, देखिए। अच्छा अब इसमें, इसमें जो है ना n बराबर 20 पुट कर दीजिए, क्योंकि 20 टर्म के लिए निकालना है, तो n बराबर 20 पुट करिए, यहां पर सब जगह 20 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 188090, ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, सॉल्व करिएगा तो इतना उत्तर आ जाएगा, एक बार देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए कौन सा आंसर होगा भाई, 188090, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए एक क्वेश्चन ये जैसे बनाना है, मान लीजिए इसको कैसे बनाइएगा, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज कैसे बनाइएगा, देखिए तो यहां पर, अच्छा ये एनवा टर्म, इसको तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से, चूंकि ऑप्शन में एन है, तो ऑप्शन में एन है तो यहां पर हम ऑप्शन से बना सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो अभी बनाया है, यहां ऑप्शन में एन नहीं था, इसको डिटेल में ही बनाना पड़ता, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, मान लीजिए कि हम दो टर्म ले लेते हैं, एन बराबर 2 ले लेते हैं, 2 का मतलब पहला टर्म और प्लस दूसरा टर्म, ये ब्रैकेट में एक टर्म है, 4 1 5 आ गया, एन बराबर 2 पे सम निकाले तो सम बराबर कितना आया, 5 आ गया। अब यहां पे देखिए वैल्यू रखिए, 2 रखिए तो 2 3, 2 से 2 गया 3² 9, यहां 9 आया, यहां पर रखिए 2² 4, यहां पर रखिए तो यहां पर 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 नहीं आएगा, यहां पर 2 रखिए, 2 × 3 2 × 4 5 अब बटा में 6 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 किस में आ रहा है, सी में, और इसीलिए मेरा सी उत्तर होगा। कैसे बनाए, ऑप्शन में एन है तो वैल्यू पुट करिए, हम एन बराबर 2 लिए तो 2 पदों का योगफल, एन बराबर 2 लिए तो 2 पदों का योगफल एस निकाले, तो ये हो गया 4 1 5 5 आ गया, 5 इसमें 2 पुट करे तो 5 यहां से आया, तो इसलिए मेरा सी आंसर हुआ, एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए
देखिए तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीसरा में तीन गो और एनवा निकालिएगा तो एनवा में हो जाएगा एन गो और, तीसरा में तीन गो और तो एनवा ब्रेकेट में एन गो और, एन और का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। उसके बाद से एस से निकालिएगा तो सिग्मा सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा टी एन सिग्मा एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर, तो इसका होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ये हो जाता है। अरे होता है ना बाबू, तो ये हो जाता है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये हो गया था, ये हो गया, इसको देखिए आप लोग क्या है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू क्या, देखिए तो इसमें हम एन बर ऑप्शन में एन नहीं दिया हुआ है, और जब ऑप्शन में एन नहीं दिया तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, इसको डिटेल में ही करना पड़ेगा। कैसे करिएगा इसको देखिए, ऐसे लिखेंगे वन, इसको क्या लिखेगा एक प्लस दो, ये ब्रैकेट में है प्लस, इसको क्या लिखेगा एक प्लस दो प्लस तीन, ठीक है ना छ, ऐसे करते हुए ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू इंटू एन प्लस थ्री और डिवाइड बाई सिक्स हो जाता है, ठीक है ना। एन का वैल्यू रखिए दस, दस रखिए तो यहाँ पर दस गुणे ग्यारह गुणे दस तीन तेरह और बटा में, ठीक है देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ टू एन प्लस वन होता है, ठीक है ना, टू एन प्लस वन बाई सिक्स हो जाता है, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन इंटू यहाँ पर जो होता है ना एन प्लस टू होता है, ठीक है एन प्लस टू, देखिए सभी लोग यहाँ पर क्या होगा एन प्लस टू होता है, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू दस दू बारह, यहाँ बारह हो जाएगा, अब कटाई सौ छह से छह दूना बारह तो 22, अब 22 पे जीरो 220 इसका आंसर हो जाएगा, इसका 220 आंसर हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है ना 220 हो जाएगा। तो ये सब बन जाएगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उसको देखिए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन यहां पे हम दे रहे हैं, इसको बनाइएगा सभी लोग। 3 इंटू टू प्लस 5 इंटू टू स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 इंटू है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है डैश डैश अप टू एन टर्म्स है, ठीक है ना। ऑप्शन ए 2 के पावर एन प्लस 2, 2 के पावर एन प्लस वन माइनस टू, बी देखिए ये हो गया आपका, चार ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको बनाइए आप लोग, क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग बनाकर। सुनिए इसको कैसे बनाइएगा, एक तो आसान तरीका है भाई, ऑप्शन से जाइए। अच्छा देखिए ऑप्शन में एन है, अब की बार जब कभी भी ऑप्शन में एन हो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा, ठीक है। चलिए जब कभी भी ऑप्शन में एन हो, ऑप्शन में एन हो तो ऑप्शन से जाइए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एन बराबर वन ले लेते हैं, वन का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम निकालिएगा तो जब एक ही गो टर्म रहेगा तो सिक्स आ जाएगा भाई। अब सिक्स किससे आएगा, वन रखिए यहाँ पर तो दो के पावर तीन आठ माइनस चार अब प्लस दू प्लस दू, तो आठ दू दस में से चार गया छह आ गया यहाँ पर। यहाँ पे देखिए तीन एक रखिएगा, एक रखिएगा तो यहाँ तीन, दो के पावर तीन आठ, आठ हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ माइनस दो है जी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे दो आ जाएगा।
अच्छा यहाँ देखिए आठ, यहाँ चार, आठ दो दस में से चार गया, छह यहां पर आ गया, यहां पर आ जाइए, तीन, दो के पावर तीन आठ, और ये एक रखिएगा तो माइनस में, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पर रखिए आपका, तो यहां पर रखिए एक, और एक रखिएगा तो यहां पे तीन, दो के पावर तीन आठ, यहां पे आठ आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये बी मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे पता चल रहा है कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू। देखिए तो यहाँ पर ऐसे करके सीरीज पूछता है कभी कभी, देख लीजिए आप लोग, इजी है बाबू, आप जानते होंगे 99। अब ज्यादा नहीं बचा है, मात्र तीन क्वेश्चन बचा हुआ है, 999 यहाँ पर है, प्लस डैश 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 है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू एन टर्म्स है, ठीक है ना, अप टू एन टर्म्स। ऑप्शन देख लीजिए ना, यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, 10 के पावर एन माइनस वन, बटा में है आपका 9, माइनस एन है, और फिर बी आपका दिया हुआ है 10, 10 के पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई 10 माइनस एन है यहाँ पर, सी दिया हुआ है बाबू 10, 10 के पावर एन माइनस वन बटा में 10, और माइनस यहाँ पे 2n है। और डी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है 10, यहाँ पे 10 के पावर एन माइनस वन प्लस 2n और बटा में यहाँ पर 9 है, ठीक है ना, ऐसे करके दिया हुआ है। अब देखिए सभी, आप सभी लोग देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, इसको देखिए तो लिख सकते हैं, ये जीपी में नहीं है, 90 ज्यादा 900 ज्यादा, एपी में नहीं है, जीपी में भी नहीं है, 11 से गुणा होगा तो 99, 11 से गुणा होगा तो 989 आएगा, इतना नहीं आएगा, तो ना ही एपी में है ना जीपी में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, प्लस इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग इसको क्या लिखेंगे बाबू, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 डैश डैश, उसके बाद से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी एन बार जाइएगा, वन वन घटाइएगा तो यहां माइनस एन हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि माइनस एन आ रहा है, यहां से ही क्लियर हो गया कि ये आंसर होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। और ये जीपी में हो गया है, 10 इंटू, ठीक है ना, 10 इंटू यहां पर प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर, ऐसे करके जा रहा है माइनस एन, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका 10, और ये हो जाएगा क्या चीज, एक जीपी का फॉर्मूला होता है ऐसे करके होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन होता है, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूला से ए का वैल्यू 1, ठीक है ना, उसके बाद देखिए आर के पावर एन, आर के पावर तो 10 है यहां पे, तो 10 के पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, और डिवाइड बाई आपका 10 में से 1 9 माइनस एन, तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर, और ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। चूंकि ऑप्शन में एन दिया हुआ है, ऑप्शन में एन दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, कि ऑप्शन में एन दिया हुआ है तो चाहे तो आप केवल एन बराबर वन लेते, एन बराबर वन लेते तो पहला टर्म सब निकालते, 9 का तो 9 आता, एस बराबर इसमें 1 रखते तो 10 में से गया 9, 10 माइनस 1 यहाँ 9 आता, यहाँ पे कुछ और आता, इसलिए ए आंसर हो जाता। मान लीजिए कहीं दो जगह 9 आ जाता तब हम दो टर्म ले लेते, एन बराबर 2 ले लेते, उस केस में 108 आता, और एन बराबर 2 रखते जिससे 108 आता वही मेरा उत्तर होता, ठीक है ना, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, चलिए ध्यान दीजिए सर, ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, सुनिए तो, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस यहां पे 4 और 7, ठीक है ना, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिएगा तो यहां पे हम सात कॉमन ले लिए, 1 प्लस 11 प्लस 111, 1111 प्लस डैश डैश डैश,
यहां पर हो जाता है 7/9, 9 + 99 अब +999 प्लस डैश डैश डैश, अब वही क्वेश्चन ये भी बन गया। ये क्वेश्चन भी देखिए तो वही बन गया है बाबू। तो यहां पर 7 था तो यहां 7/9 आ जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 10 × 10^(n-1) बटा में 9 और माइनस यहां पर n हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दे दे कि a + a a + यहां पर अगर ट्रिपल ए दे दे और कहीं यहां पे 4 हुए दे दे, ठीक है ना, ऐसे करके कहीं दे दे, तो इसके लिए आंसर आप याद रखिएगा कि a बाई यहाँ पे a/9, उसके बाद से यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10^(n-1) बटा में यहाँ पे 9 और यहाँ -n, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे देखिए आप लोग, तो जैसे ये है बाबू 1 × 4 + 1/7 + 1/7 × 10 ये इन्फिनिटी तक मान लीजिए दिया हुआ है। तो सुनिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला से 3 का गैप 1/3 और 1/1 और -1/, और ये तो बढ़ते 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 यहां पर जो मिलेगा लास्ट में ना, ये बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा टाइप का कुछ मिलेगा। अरे मिलेगा जी, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, 1/(1/) 1/(1) - 1/(last), ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो फर्स्ट में तो 1 हो गया और -1/ बहुत बड़ा, क्योंकि ये बढ़ते 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 लास्ट में बहुत बड़ा टाइप का होगा कुछ, तो बहुत बड़ा, इन्फिनिटी से भाग देंगे तो ये जो टर्म होगा ना, ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो बताइए, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अगर ये समझ गए तो एक लास्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा लिख के बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा लोग। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे है बाबू, 3/3 × 5 + 5/3 × 5 × 7 × 7 + और यहां पर है 7/5 × 7 × 9 है, और प्लस डैश 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 ये इंफिनिटी तक है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। सुनिए, सबसे पहले इस बात को समझिए आप लोग, देखिए ऐसा मत सोचिए 3-3 कटा देंगे, 5-5 कटा देंगे, 7-7 कटा देंगे, कटा तो दीजिएगा, लेकिन 1-5 आ जाएगा और यहां 3-7 बचेगा और यहां पर आपका 5 और 9 बचेगा, तो थोड़ा सा टेंशन इसमें होगा। अच्छा, अगला टर्म अगर लीजिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए हम 9 ले लेते हैं, 1, 3, 5, तो यहां पे लेंगे 7, 9 और क्या लीजिएगा 11, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ऐसा नहीं ना कि अल्टरनेट सीरीज हो गया, देखिए तो कट गया, ये कट गया, अगर ये कटा दे ये कटा दे तो अल्टरनेट सीरीज मिल रहा है क्या, ऐसे समझिए तो 1/5 + देखिए तो 1/5 × 9 ये वाला हम ले लेते हैं, तो प्लस डैश 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 इंफिनिटी तक। अच्छा प्लस यहां पे देखिए बाबू क्या मिलेगा, ये वाला लीजिए तो 1/37 प्लस ये लीजिए तो 1/7 × 11 प्लस डैश 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 ये इंफिनिटी तक हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, ये देखिए तो यहां पे 4 का गैप है यहां पे, तो 1/4 × 1/1 - 1/ बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है। अच्छा प्लस इधर देखिए तो यहां पे ऐसे ले लेंगे क्या, 1/4 × 1/3 - 1/ बहुत बड़ा,
और ऐसे लीजिएगा लोग, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में देख लीजिए क्या आना चाहिए, यहां पे बच जाएगा 4 और यहां पर क्या बचेगा 1/12। तो 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहां पे 3 से 12, 12 12, अब 4 3 एक 4, 4 से जाएगा 3 बार में, तो 1/3 टाइप का कुछ आ रहा है यहां पर, ठीक है ना, 1/3 टाइप का कुछ आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर है, इसका ऑप्शन ऐसे है 1/3, एक ऑप्शन दिया हुआ है 1/5, एक दिया 1/7 और एक दिया 1/9, तो मेरा 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था मैथमेटिकल सीरीज, जो फाउंडेशन बैच मेरे यहाँ चलता है उसमें कुछ और भी सीरीज हम बताते हैं, जो अभी एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट होने वाला ऑनलाइन, उसमें कुछ और भी सीरीज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ फास्ट हुआ होगा तो ध्यान मत दीजिएगा, फाउंडेशन बैच में समय ज्यादा होता है, वहां धीरे धीरे हर चीजों को और बढ़िया से क्लियर करके पढ़ाने का कोशिश वहां पे किया जाता है, वहां पे बिगिनिंग से जीरो लेवल से एकदम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम अपने तरफ से बेहतरीन प्रयास किए सीरीज को, आज संडे है, संडे के दिन पूरा हम शूट करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।